मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे, आप हम अपने क्वेश्चन को अपनी एक्सरसाइज 3G को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे थे। 3√3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 5√5 सी क्यूब माइनस 3√15 ए बी सी। देखिए, अगर हम √3 का होल क्यूब करें तो 3√3 आएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं √3 ए का होल क्यूब प्लस, इसे लिखेंगे माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा। इसे लिखेंगे माइनस 5√5 सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे देन यू विल गेट माइनस 3√15 ए बी सी। देखिए, एक्स की जगह है आपके पास √3 ए, वाई की जगह आपके पास है माइनस बी, सी की जगह आपके पास है माइनस 5√5 सी। यू हैव अ फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x5j इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होगा, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए, एक्स ये रखेंगे √3 माइनस बी माइनस √5 सी, √3 ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 5√ माइनस √5 सी का स्क्वायर माइनस ए बी यानी √3 ए इंटू माइनस बी प्लस, ये बेटे माइनस बी लिखा है, माइनस बी इंटू माइनस √5 सी, ठीक है, एंड माइनस माइनस √5 सी इंटू √3 ए, ठीक है। सो √3 ए माइनस बी माइनस √5 सी, ऐसे √3 का स्क्वायर ए 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √3 ए बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √5 बी सी माइनस 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 प्लस √15 ए सी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। यू हैव अ फॉर्मूला इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 3xyz। एक्स की जगह हमारे पास ए माइनस बी है, वाई की जगह हमारे पास बी माइनस सी है, जेड की जगह आपके पास सी माइनस ए है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, जो आप तीनों को ऐड करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, हो गया इक्वल 0। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है। सो ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 3xyz यानी 3a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस एक्स। यानी आपका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। ए माइनस सी बी का होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब एक्स की जगह आपके पास है ए माइनस 3b, वाई की जगह आपके पास है 3b माइनस सी, जेड की जगह ले लेंगे सी माइनस ए। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 0 आ गया। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz के होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3a माइनस 3b 3b माइनस सी सी माइनस ए, दैट विल बी आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन 19 में भी सेम काम करना है। ये दिया है आपको, आपका फॉर्मूला है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। एक्स की जगह 3a माइनस 2b, वाई की जगह 2b माइनस 5c, जेड की जगह 5c माइनस 3a। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाला, सब कट जाएंगे, यू विल गेट 0।
सो दिस ए थ्री ए माइनस टू बी का होल क्यूब प्लस टू बी माइनस फाइव सी का होल क्यूब प्लस फाइव सी माइनस थ्री ए का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा थ्री ए थ्री ए माइनस टू बी माइनस फाइव सी एंड फाइव सी माइनस थ्री ए। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। फाइव ए माइनस सेवन बी का होल क्यूब प्लस सेवन बी माइनस नाइन सी का होल क्यूब प्लस नाइन सी माइनस फाइव ए का होल क्यूब। आप x इसको मानेंगे, इसे y, इसे z, सेम काम करेंगे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई जेड की है। तीनों को ऐड करेंगे जीरो मिल रहा है, इसलिए इनके क्यूब्स का सम इक्वल हो जाएगा थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम ही है। आपका क्वेश्चन है ए क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या करा हमने, इस पूरे को होल क्यूब में लिख दिया, तो ए बी माइनस सी का होल क्यूब हो गया, ये बी सी माइनस ए का होल क्यूब हो गया, और ये सी ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। आप एक्स की जगह क्या हो गया, ए बी माइनस सी, वाई की जगह हो गया बी सी माइनस ए, और जेड की जगह हो गया सी ए माइनस बी। आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ए सी प्लस बी सी बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, और टर्म्स प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। सो इन टर्म्स के क्यूब्स का सम इक्वल हो जाएगी इनकी प्रोडक्ट के थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स। क्वेश्चन 22 है, इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस 12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। एक्स हो गया माइनस 12, वाई हो गया 7, जेड हो गया 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इन तीनों टर्म को जोड़ा, एडिशन जीरो आ गया, इसलिए ये इक्वल हो गया थ्री एक्स वाई जेड, यानी थ्री माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट माइनस 1260। सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब। एक्स की जगह 28 है, वाई की जगह माइनस 15 है, और जेड की जगह आपके पास माइनस 13 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो ऐड करेंगे, यू विल गेट जीरो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू थ्री इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23, प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल होगा थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए के। हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इतना टर्म उठा रहे हैं, सिर्फ इतना सा टर्म ले रहे हैं और इसको पहले सॉल्व करेंगे। सो हमने क्या करा, ए प्लस बी को एक टर्म मान लिया है और सी को अलग। अब हमने फॉर्मूला डाल रहे हैं एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह ए प्लस बी लेंगे और वाई की जगह हम सी लेंगे। सो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ पे फिर से फॉर्मूला डाल देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी सी क्यूब ऐसे, और इन सारे टर्म्स को ऐसे ही कॉपी कर दिया। ए क्यूब हो गया बी क्यूब, ठीक है, और ये यहाँ उतार लिया सी क्यूब, ये थ्री ए बी ए प्लस बी ये यहाँ पर लिख दिया, इसे ऐसे कॉपी कर लिया। यहाँ से कौन कॉमन हो रहा है, थ्री ए प्लस बी कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये ए बी बचा प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बच गया। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसे कॉपी कर लेंगे, प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ऐसे। आप इसे अंदर मल्टीप्लीकेशन कराए सी का, जैसे ये बनेगा ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर। आप फैक्टर कर देंगे इसमें, इसमें इसे ए बी के साथ में रख लेंगे बी सी, और ए सी के साथ में रख लेंगे सी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन दिया है तो ये हो गया ए प्लस सी, यहाँ से सी कॉमन लिया है ये हो गया ए प्लस सी, ए प्लस सी कॉमन निकाला दूसरी ब्रैकेट में रह गया बी प्लस सी। तो इसे सॉल्व करने पे आपको ये मिल गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का हमने इसे सॉल्व करा है, ये यहाँ कॉपी कर दिया, और माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख दिया। इस प्लस माइनस सेम टर्म यहाँ से कैंसिल हो गए, यू विल गेट दीज टर्म्स। अब आपको यही लाना था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।